नमस्कार, गुड इवनिंग, मणिगुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सेविंग्स की इंपॉर्टेंस और इन्वेस्टमेंट्स के तमाम ऑप्शंस पर। आज शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजेश कृष्णमूर्ति, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आई फास्ट फाइनेंशियल्स के। गुड इवनिंग राजेश, आपका स्वागत है शो में और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आइए देख लेते हैं आज क्या कुछ खास रहने वाला है। व्यूअर्स की तरफ से जो क्वेरीज हैं जिनको हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड सेंट्रिक क्वेरी है, इसका जायजा लिया जाएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग की राहत तलाशेंगे, जो कि अपने आप में पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में एक काफ़ी अहम जगह रखता है। और गोल्ड इन्वेस्टमेंट का भी जायजा लिया जाएगा। इनिशियली इन प्रश्नों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, आगे चलते हुए कई और सवाल हैं उनको भी हम शो में इंक्लूड करेंगे। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्रश्न हम तक भेजने के लिए मेल भेज सकते हैं moneyguru@znetwork.com पर। SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें क्योंकि बातचीत सेविंग्स पर है तो सेव जरूर पहले मेंशन कीजिएगा। और डिटेल्स स्क्रीन पर नंबर रहेगा 57575, इस पर आप SMS कर सकते हैं। तो आइए सीधे सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिल्ली से इंक्लूड कर रहे हैं महेश ठाकुर जी का प्रश्न है। महेश जी जाना चाह रहे हैं PPF सेंट्रिक, इनकी क्वेरी है। और क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाना चाह रहे हैं, निजी जो बैंक्स हैं वहां पर क्या ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्क्रीन पर आइए सवाल लेते हैं। राजेश, अपने आप में PPF जैसे हम टच करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा निवेश का विकल्प रहता है। इन्होंने जैसे प्राइवेट सेक्टर की बात की है, क्योंकि PSU बैंक्स में तो ऑप्शन अवेलेबल रहता है, पोस्ट ऑफिसेस में भी रहता है, लेकिन जनरली प्राइवेट बैंक्स में इस तरह से ऑप्शंस तो नहीं रहते, लेकिन आपने क्या कुछ इनको आप एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, इनके पास तीन चार ऑप्शंस है। एक तो SBI के कोई भी ब्रांच में वो जाके PPF अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी बात है कोई भी हेड पोस्ट ऑफिस में वो भी अवेलेबल है, PPF अकाउंट वहाँ भी खोला जाता है। प्राइवेट बैंक्स के लिस्ट में ICICI बैंक को PPF अकाउंट खोलने की इजाज़त दी गई है। अगर आपको उनके साथ कोई सेविंग्स अकाउंट या कोई भी रिश्ता हो तो उनके ब्रांच के ज़रिए आप PPF अकाउंट खोल सकते हैं। उन्होंने ये भी EC किया है कि ऑनलाइन भी जाके उनके साइट में से आप रजिस्टर कर सकते हैं और एक फॉर्म प्रिंट करके उनके सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में भेज के आपका अकाउंट खुलवा सकते हैं। राइट। और कुछ और PSU बैंक्स, जैसे आपने SBI का जिक्र किया, वहाँ पर भी कई हमने देखा सिलेक्टिव बैंक्स में भी ये और सुविधा रहती है, तो उस ऑप्शन को भी तलाश सकते हैं जिस तरह से आगे बढ़ना चाहें। राजेश? हाँ जी, ज़्यादातर SBI के कोई भी ब्रांच में अगर वो जाएंगे तो उनको ये करने में थोड़ा आसानी रहेगा। राइट। तो ये इस तरह से प्रोसेस वर्क करता है, लेकिन अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए विकल्प रहता है। तो आइए अब सीधे अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। ये पुणे से है सचिन साहब का एक प्रश्न है। आप इस समय लाइन पर हैं सचिन जी? यस सर, गुड इवनिंग सर। हम देख रहे थे आपकी एज 33, आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, बहुत खूब। क्या एग्जैक्टली प्लान आउट किया आपने, मतलब क्योंकि जर्नली जिस प्रकार के आजकल स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल्स हैं, जो प्रेशर्स हैं, लोग कई बार अर्ली भी रिटायर हो जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आज आप लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट भी वैसा हो, तो ये क्या एग्जैक्टली प्लानिंग है पूरी, थोड़ी आप हमारे साथ शेयर करेंगे? सर देखिए, अभी तक मैंने तो अभी कोई प्लान किया नहीं है एग्जैक्टली, इन द सेंस ऐसा है कि वही मैं एक्चुअली आई एम अ प्राइवेट फर्म, मेरा कोई PF वगैरह कटता नहीं है। ओके, सो व्हाट आई वांट कि मैं ऐसा कुछ प्लान करूं जो कि 15-20 साल बाद या 22 साल बाद मुझे कुछ एक लमसम अमाउंट मिले। तो मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहूंगा कि अभी एट प्रेजेंट मैंने एक लाइफ का टर्म प्लान लिया हुआ है जी, जो कि मैक्स न्यूयॉर्क का है, जो कि वो 50 लाख का है। राइट। ओके, और सेकंड मैंने मेरे बच्चे के लिए प्लान निकाला LIC का, चाइल्ड प्लान। राइट। एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता, पर उसका पर मंथ जाता है मेरा 25-30,000 जाता है। राइट। आपको हम इस पर राय दिलवाते हैं सचिन साहब, क्योंकि ये जैसे आपने कहा रिटायरमेंट प्लानिंग, ये अपने आप में एक अलग पूरे एक रहा है, और जो बच्चों के जो निवेश के विकल्प रहते हैं वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रश्न रिटायरमेंट प्लानिंग सेंट्रिक है। हम आपके सवाल में देख रहे थे, आपने मेंशन किया है आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, एश्योर्ड रिटर्न चाहते हैं। आखिर क्यों, अगर आप थोड़ा रिस्क लेंगे तो उसमें रिटर्न्स बेहतर मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, और इस एज ब्रैकेट में जब आप 33 के हैं तो क्यों ना आप रिस्क लें थोड़ा बेटर रिटर्न्स के लिए। आप इसके लिए क्या रेडी हैं या एकदम सेफ प्ले करना चाहते हैं? जी सचिन साहब, लग रहा है इनसे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया है, स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, आप इनको कैसे सलाह देंगे, अगर ये जिस तरह से एश्योर्ड रिटर्न्स चाहते हैं वो मिल तो सकते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं, पर क्यों ना कुछ मिक्स मैच किया जाए,
ये जब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम फर्स्ट क्वेरी में पीपीएफ को चेक कर रहे थे, एक वो ऑप्शन है जिसमें आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न मिलता है, मैनुअली जिस तरह से वो चेंजेस उसमें हो रहे हैं, मोर ओवर म्यूचुअल फंड्स को क्यों ना ये ऑप्शन तलाशें, एक अच्छा इक्विटी के जरिए रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो एक कैसे मिक्स मैच करना चाहिए इस गोल तक पहुंचने के लिए जो ये सेट कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग? जरूर सौरभ, ये आपने ठीक ही कहा उनसे कि उनका जो मकसद है वो बहुत अच्छा है। सचिन ने जो प्लान की है अपने आप कि 20 साल के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। दो चीज़ें, अगर उनको एश्योर्ड रिटर्न चाहिए तो वो सिर्फ एक बैंक फिक्स डिपॉजिट ही दे सकती है, और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं उनके सामने। लेकिन पीपीएफ में भी अगर वो डालेंगे तो 2012 से गवर्नमेंट ने बोला है कि वो हर एक साल वो जो इंटरेस्ट है वो डिक्लेयर करेंगे और वो हिसाब से ही उनको रिटर्न्स मिलेगा जी। लेकिन जैसे आपने बताया उनका सिर्फ 30 साल 20 साल और है उनको इन्वेस्ट करने का टाइम फ्रेम, तो मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा रिस्क लेना चाहेंगे तो कम से कम 2000-3000 रुपये वो ज़रूर एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में डाल सकते हैं। मैं दो फंड्स की जिक्र कर सकता हूँ, प्रूडेंशियल ICICI प्रूडेंशियल का फोकस ब्लू चिप फंड है, वो देख सकते हैं, नहीं तो फ्रैंकलिन टेम्पलटन का भी ब्लू चिप फंड है। इनमें से कोई भी एक फ़ंड वो चूज़ करके एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपने नाम पे करने की प्लान कर सकते हैं वो। राइट, तो इस तरह से वो म्यूचुअल फंड्स के भी विकल्प और FDs भी हमने स्क्रीन पर रन किए हैं, जैसे आप कुछ सेफ सिक्योर्ड ऑप्शंस आ रहे थे, PPF का भी ज़्यादा लिया है, तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट तो जिस तरह से हो रही है, मोर ओवर जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है, तो पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स जो हैं वो भी काफ़ी रहते हैं, तो इसको प्रॉपरली अर्ली प्लान आप कर रहे हैं, आपको इसका एडवांटेज भी मिलना चाहिए, एक लंबा सफ़र है, ऑल द बेस्ट। आइए अब अगला प्रश्न गाजियाबाद से शामिल करते हैं। ये अगला प्रश्न गौरव पंत जी का है और ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाह रहे हैं 2-3 साल के लिए। आपका स्वागत है। ये जो आपने बताया है इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, क्या आपने होमवर्क किया, क्या एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं प्लीज़ बताइए। ये आप ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार निवेश करना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए आप गोल्ड में किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं। हेलो जी गौरव साहब। या गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग, प्लीज बताइए आप। सर एक्चुअली आई वाज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड लाइक इन पेपर गोल्ड म्यूचुअल फंड व्हिच वी कॉल। राइट, सो हाउ सेफ इट इज, व्हिच सी देयर आर वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स देयर इन व्हिच गिव ऑफर फॉर गोल्ड। या सो व्हिच इज मोस्ट सेफेस्ट और मिनिमम रिस्क। राइट, आपको राय दिलवाते हैं। जैसे आपने कहा फिजिकल गोल्ड होता है तो उसमें फिर थोड़े से हम देखते हैं कई बार इश्यूज इन्वॉल्व रहते हैं उसकी प्योरिटी को लेकर, लेकिन जैसे आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए बढ़ना चाह रहे हैं, गोल्ड ETFs ऑप्शन है, डीमैट अकाउंट है, तो अदरवाइज गोल्ड फंड्स के जरिए भी बढ़ सकते हैं, उसमें भी कई सारे विकल्प हैं। राजेश, आप इनको कैसे बताते हैं ये जब आगे बढ़ें, कैसे किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखें? एंड मोर ओवर हमने देखा है लास्ट ईयर जब काफ़ी अनसर्टेनिटीज थी, काफ़ी अच्छा गोल्ड ने परफॉर्म किया है, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें आप इतने रन अप के बाद किस तरह से कॉल लेना चाहेंगे, आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इसमें रिटर्न्स की जहां तक बात है? जरूर सौरभ, आपने एक बहुत अहम चीज अभी कही थी। बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि पिछले बार जब गोल्ड का प्राइस घट के गिर गया, गोल्ड को वापस वही प्राइस में आने के लिए 18-20 साल लगा। अभी जो एक प्रॉब्लम है यूरोपियन रीजन में, इसके पहले US में था, वो वजह से गोल्ड का थोड़ा सेफ्टी के एस्पेक्ट से लोग गोल्ड के तरफ जा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर गौरव जी सोचते हैं कि उनको गोल्ड में उतना ही रिटर्न मिलेगा जैसे पिछले 2-3 साल में हुआ है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन उनको कम करनी चाहिए, वो पहली बात। और अगर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट की है तो गोल्ड एक हेज बन सकती है, मतलब एसेट एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड अपने आप एक इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता है मैं वो राय दूंगा किसी को। उनके प्रश्न है कि वो कैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, दो ऑप्शंस तो आपने बता ही दिए उनको, एक डीमैट रूट है और नॉन डीमैट रूट है। डीमैट नहीं है तो वो गोल्ड फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी एक कोटक का या रिलायंस का कोई भी एक फंड ले, एक ही है। और ETF में भी यही AMCs के गोल्ड ETFs हैं।
नहीं तो एक और ऑप्शन उनके सामने आ सकती है, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में वो ई गोल्ड करके खरीद सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन उनके सामने खुला है। राइट तो यहाँ से 2 से 3 साल का जैसे मेंशन कर रहे हैं ये, बाकी आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जो डिटेल्स हैं और कैसे इसको आप प्लान आउट कर सकते हैं वो स्क्रीन पर है, और ये जो इनफैक्ट रिटर्न्स रहे हैं ये हम दिखा रहे हैं लॉन्च से किस तरह से परफॉर्मेंस रही है, लेकिन आगे काफ़ी सारे फैक्टर्स जो प्ले करते हैं और उसमें आप नजर रख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अब आगे बढ़िए इस तरह से। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हमने कुछ प्रश्नों को शामिल किया है, ब्रेक के उस पार कई और सवाल हैं जिनको हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो ब्रेक के बाद स्पेसिफिकली टैक्स प्लानिंग का जायजा लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सेंट्रिक सवाल है इसको हम इंक्लूड करेंगे, जिसमें एक इंडिविजुअल रियल एस्टेट सेंट्रिक गेंस कुछ हैं और वो उसको चाह रहे हैं कि किस तरह से इसमें आगे फिर इन्वेस्टमेंट्स को प्लान आउट करें, और लॉकर फैसिलिटी जो बैंक्स में रहती है उससे सेंट्रिक भी सवाल है, इसका भी जायजा लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आज बातचीत हो रही है सेविंग्स पर और शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आई फास्ट फाइनेंशियल से राजेश कृष्णमूर्ति साहब, और अगले सवाल के लिए हम मूव करते हैं सूरत। आनंद पटेल जी का ये सवाल है और टैक्स सेविंग सेंट्रिक इनका सवाल है, एज 24 है। आनंद जी आपका स्वागत है, प्लीज़ बताइए आपका, हम देख रहे हैं एक तो जिस तरह से जिस एज में आप ये पूरा प्लानिंग कर रहे हैं 24, सेविंग्स भी आप करते हुए इन्वेस्टमेंट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं अर्ली, काफ़ी अच्छी बात है। मोरओवर ये जो टैक्स प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं, अभी मई जिस तरह से चल रहा है और जनरली हम देखते हैं इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल ईयर के एंड में इसको प्लान करने की तरफ बढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात है। आप बताइए क्या एग्जैक्टली आपने अपनी तरफ से जायजा लिया है, क्या जानना चाह रहे हैं आप? एक्चुअली मैंने अभी तक कुछ इन्वेस्ट किया नहीं है और मेरी इनकम अराउंड 28,000 to 30,000 रुपीज है, तो मैं एक्चुअली इन्वेस्ट करना मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि टैक्स सेविंग। ओके इसमें लेकिन टैक्स तो सेव हो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो, दोनों चीज़ें जिस तरह से जेल हो सकें। राजेश जी आप कैसे इनको सलाह देंगे, इन्होंने जैसे मेंशन किया है ATC के तहत एक लंबी लिस्ट है जिसमें तमाम निवेश के विकल्पों का जायजा ले सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए, आप उसमें कैसे इनको समझाना चाहेंगे सेज ब्रैकेट में जब ये रिस्क ले सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स की ऐसे स्कीम्स हैं लेकिन आगे DTC भी है, उसमें उसका चार्म किस तरह से, उस पर काफ़ी सवाल हैं, कैसे प्लान आउट करना चाहिए? सर सर 2-3 चीज़ें हम लोग ऑर्डर में उनको बताते हैं, बिकॉज अभी उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट्स किया ही नहीं है, तो पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनको अपने लिए एक टर्म प्लान लेनी चाहिए। यंग पर्सन फैमिली में उनका कमिटमेंट्स रहेगा, उनका इनकम इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो ये प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो एगॉन का एगॉन रेलिगेयर का वेबसाइट पे जाएंगे तो उनका एक आई टर्म प्लान मिलता है, और उनके एज के हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ कि 1 करोड़ का कवर भी उनको साल में 9,000 रुपये के प्रीमियम भरने पर मिल जाएगा जी। मुझे लगता है कि एक नौजवान को ये तो ज़रूर करनी चाहिए, इसके साथ उनको 2-3 राइडर्स भी मिलता है, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, कभी भी हम लोग बीमार हो सकते हैं, मैं ये इच्छा करता हूँ कि उनका सेहत हमेशा अच्छा रहे, लेकिन अगर कोई भी मेडिकल इश्यू हो जाएगा तो बहुत सारे फैमिलीज़ में ये दिखता है कि उनका पूरा सेविंग्स वो मेडिकल एक्सपेंसेस में चला जाता है, तो अर्ली इन लाइफ अगर वो एक मेडिकल इंश्योरेंस की भी अपने लिए ले लें तो वो भी अच्छा रहेगा। मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो मैक्स भूपा का वेबसाइट में जाएं और ऑनलाइन वो अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, उनको शायद मेडिकल टेस्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 साल का एक पॉलिसी 5 लाख का हॉस्पिटलाइजेशन कवर सकता है, हर एक साल में 9,000 रुपया उसका प्रीमियम। राजेश राइट, तो पहला ऑप्शन में ATC का बेनिफिट मिलेगा, दूसरा ऑप्शन में ATD का ATD का बेनिफिट मिलेगा। और इनफैक्ट अगर हम देखें जैसे ATCCF के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स रहते थे वो इस साल नहीं है, लेकिन राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स के तहत भी टैक्स छूट रहेगी, तो उसको भी आगे चलते हैं और उसकी जब डिटेल्स हैं उसको भी चेक कर सकते हैं राजेश।
हाँ जी, वो स्कीम का डिटेल्स जो प्रोडक्ट है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जब तक डीटीसी नहीं आता है वो म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एचडीएफसी टैक्स सेवर या फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड फंड है, ये भी देख सकता है। आइए अब अगला सवाल औरंगाबाद से है, राहुल पाटिल जी का प्रश्न है, आपका स्वागत है। आपने मेंशन किया है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिस तरह से आपने मेंशन किया ये है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट हो रहा है, तो ये इसको आप सेव करने के लिए आप जानना चाह रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ा जाए। इसमें ऑप्शंस रहते हैं, क्या आप कुछ और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच रहे हैं, कुछ ऐसा विकल्प भी आपके सामने खुला है? हाँ सर जी, हाँ वो भी है। ओके राजेश, आप कैसे इनको बताएंगे, क्योंकि उसको सेव करने के लिए अगर ये किसी और प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी उसको सेव किया जा सकता है, आप कैसे इनको राय देंगे? सर सौरभ, राहुल को पहले ये देखनी पड़ेगी कि उनका कैपिटल गेन कितना है, जितना पैसा उनको प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिला है वो पूरा कैपिटल गेन नहीं हो सकता है, तो कोई एक सलाह ले लें कि उनका कितना कैपिटल गेन है, तो 1 करोड़ में शायद उनका 50 लाख हो या 60 लाख हो, जो भी है वो कैलकुलेट करना पहला स्टेप है। एक बार उन्होंने अगर कंफर्म किया कि उनका कैपिटल गेन, हम एग्जांपल में लेते हैं कि 50 लाख है, तो 50 लाख का प्रॉपर्टी उनको यही साल में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, तो अगले 3 साल में भी कोई एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक उनको एक एस्क्रो अकाउंट में ये पैसा रखना पड़ेगा, कोई भी एक नेशनल बैंक में जाएंगे तो कैपिटल गेन का एक एस्क्रो अकाउंट है, वो खोल के पैसा उसमें डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि वो सीधा ही जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन बॉन्ड खरीद लें, आजकल REC, NABARD, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये कैपिटल गेन बॉन्ड्स इशू करते हैं, वो भी खरीद सकते हैं वो 50 लाख के लिए। राइट, तो इस तरह से बॉन्ड्स के जरिए भी बढ़ना चाहें तो वो भी है, और इनफैक्ट कुछ आपके लिए म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस भी थे, तो जो कैपिटल गेन जिस तरह से हो रहा है वो आप उस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेव करने के लिए LTC जी, बाकी जो फंड्स आपके पास हैं वो इस तरह से आप अपना एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड अप कर सकते हैं। हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जहन में आपके प्रश्न हैं या सजेशन हैं शो के लिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और SMS करना चाहें तो उस तरह से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल स्क्रीन पर होंगी, हम जल्दी लौट कर आएंगे आखिरी सेगमेंट के साथ। वेलकम बैक, लास्ट सेगमेंट है और आइए आखिरी प्रश्न आज के कार्यक्रम में उसको इंक्लूड करते हैं। ये मुंबई से है, मेल के जरिए सवाल, और रितु नायक जी का है। ये लॉकअप फैसिलिटी जो बैंक्स में रहती हैं उससे सेंट्रिक है, और ये कह रहे हैं जब इन्होंने एक बैंक को अप्रोच किया लॉकअप फैसिलिटी के लिए तो बैंक ने इनसे स्पेसिफिकली FD की रिक्वायरमेंट की मांग रखी है, और इनको कहा है कि स्पेसिफिकली 25,000 की FD कराएं, उसके अगेंस्ट इनको लॉकअप फैसिलिटी मिल पाएगी। राजेश, आप किस तरह से देखेंगे ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बैंक इस तरह से फोर्स एक कस्टमर पर अगर जैसे हम देखें कई बार करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो उसका रेंट स्पेसिफिकली अगर ना मिले या कुछ और इश्यूज हो तो एक FD के अगेंस्ट वो थोड़ा इसको सेफली आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर्स के ऊपर इसके ऊपर प्रेशर तो नहीं डाला जा सकता, और अगर ऐसा हो रहा है क्या वो दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि बैंक्स के अलग अलग इसमें ऑफर्स रहते हैं, तो ये कैसे मतलब इसको देखना चाहिए? दो चीज़ें सौरभ, इसमें RBI ने साफ साफ बोला है बैंक्स को कि अगर वो कोई भी कस्टमर को FD खोलने के लिए फोर्स करेंगे तो वो एक रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है और वो बैंक्स को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बैंक्स ने भी RBI को समझाया कि अगर उन्होंने कोई भी अकाउंट बैंक के साथ खोला नहीं है तो फिर वो लॉकर का अगर रेंट है या 3-4 साल वो पे नहीं करेंगे तो वो ब्रेकिंग करने का चार्जेस वो कहाँ से रिकवर करेंगे। तो RBI ने सिर्फ इतना ही उनको अलाउंस दिया है कि आप FD ले सकते हैं, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 साल का रेंट और ब्रेकिंग चार्जेस, ये मिला के जितना पैसा होता है सिर्फ उतने का FD वो एक कस्टमर से लॉकर के नाम पे ले सकते हैं। राइट,
और अनुराग ये क्या दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि बैंक्स की तरफ से इसमें आजकल काफ़ी हम देख रहे हैं स्पेस में काफ़ी कुछ ऑफर किया जा रहा है। इनफैक्ट 24 आवर्स लॉकअप फैसिलिटी भी अभी हमने देखा था पिछले साल IDBI बैंक ने इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन समाओ जहाँ तक इनके प्रश्न की बात है, ये क्या आप दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं कहीं पर, कहीं कुछ फ्लेक्सिबल हो, कहीं और इसमें इनको रियायत मिल रही हो तो उसको भी चेक कर सकते हैं? ज़रूर, वो ज़्यादातर बैंक्स आजकल बोलते हैं कि अगर आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट है या कोई एक वैल्यू का फिक्स डिपॉजिट है तो आपको फ्री में वो लॉकर भी देते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक कैंपेन चल रहा है बैंक का, ग्राहक तो सर्टनली उसका फ़ायदा उठा सकता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और बैंक्स जिस तरह से कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं, तो आप इसमें ऑप्शंस और भी तलाश सकते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ें। इसी नोट पर हम आज के शो को वाइंड अप करेंगे। राजेश कृष्णमूर्ति जी, शुक्रिया, थैंक यू शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई से, धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों का भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।